अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा फात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआएं ठीक हो। आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ चिकन पटियाला। बढ़िया सा मजेदार, घर के आसे मसालों से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और तो चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश। चलिए, यह है तकरीबन 750 ग्राम चिकन हड्डियों के साथ है। इसकी चर्बी मैंने निकाल ली, 2-3 पानी से धो के निकालने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब इसमें बाउल में डाल दीजिए इसे और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर। 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे ये नॉन स्पाइसी वाला, अगर आपका स्पाइसी हो तो अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। 1 छोटे चाय का चम्मच सूखी हुई कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर। 125 ग्राम दही, गाढ़ी दही, खट्टी नहीं होनी चाहिए, और रूम टेम्परेचर पे डालिएगा। और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को मिक्स करके मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो ढककर फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने 1/2 घंटे के लिए बाहर ही रखा था। एक कढ़ाई के अंदर 1/3 कप तेल डालिए। यहाँ पर मैं 1/3 कप घी डाल रही हूँ। 2 तेज पत्ता, 1 छोटी डंडी दालचीनी की, 1-2 काली मिरी, 2-3 लौंग और 1/2 छोटे चाय का चम्मच जीरा। ये डालकर उसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए सारी चीज़, तो ये प्याज, मैंने 3 छुंदा प्याज ली है, और इसे डालकर फास्ट आंच पर फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। हाँ, जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो लाइट ही रखिएगा। तो ये जो सारा हमने मैरिनेट करके चिकन रखा है, ये सारा डाल दीजिए मसाले के साथ, और इसे मीडियम आंच कर दीजिए, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बार बार चलाते रहें और इस चिकन को फ्राई करें मीडियम आंच पर। इससे क्या होगा ना, मसाला भी अच्छा भुना जाएगा और ये जो मॉइस्चर है चिकन के अंदर, उसका पानी जो निकलता है वो भी सूख जाएगा, और दही भी बहुत अच्छे से सूख जाएगी। तो चलिए, जब अच्छे से ये पूरी तरीके से 4-5 मिनट तक मीडियम आंच पर आप पका लें बार बार चलाते हुए, तो यहाँ पर मैं साइड पर रखी थी 2 टमाटरों को पीस के, ये डाल दीजिए और इसे भी मीडियम आंच पर आप फ्राई करें। बार बार चलाते रहिए टमाटर डाल के भी, और तकरीबन टमाटर डालने के बाद भी 3-4 मिनट इसे फ्राई करें, सो दैट टमाटर भून जाए। समझिए ना, 3-4 मिनट में तो टमाटर आराम से भून जाएंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से टमाटर भुना गए हैं। तो अब यहाँ पर ना मैंने साइड पर तकरीबन 24-25 काजुओं को थोड़ा सा दूध डाल के बहुत अच्छा क्रीमी पेस्ट बना लिया है। तो ये वाला मैं काजू पेस्ट डाल देती हूँ इसके अंदर। चूल्हा मीडियम पर ही है, इसे एक बार मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद मैं वो जो जार है ना उसके अंदर 1/4 कप पानी डालकर चलाकर इसमें डालती हूँ। अच्छा, जार में डालने से पहले ना मैंने टमाटर वाले जार में डाला था, और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ, और इसे डालकर बार बार चलाते रहिए, और इसे भी 2-3 मिनट तक मीडियम आँच पर भूनिए। 2-3 मिनट हो जाए भून के, तो पानी डाल दीजिए। तकरीबन आप चाहे तो 1/2 कप पानी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो 3/4 कप भी डाल सकते हैं। वैसे मैं 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। इसे डालकर एक बार चला लीजिए, और अगर नमक कम लगे तो नमक भी एडजस्ट कर लीजिए, और नमक डालने के बाद फिर से चख लीजिएगा, और इसमें एक उबाल आ जाए तो चूल्हा स्लो आंच करके इसे 10-12 मिनट पकने दीजिएगा। तब तक पकाए जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तब तक। चलिए, 10-12 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं चिकन तो अच्छे से गल चुकी है। हल्का सा जो घी है ऊपर आ चुका है, ज़्यादा तो डाला नहीं था। तो यहाँ खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। 2-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मारकर डाल दीजिए, और चूल्हा कर दीजिए बंद। अच्छा, मैंने मलाई नहीं डाली है, आप चाहें तो 2 टेबलस्पून मलाई भी डाल दें इस समय। मिक्स कर लें स्लो आंच पर, ढककर 1-2 मिनट सिमर होने पकने रखें, और फिर चूल्हा बंद कर दीजिएगा। मुझे ज़्यादा इतनी मलाई हमारे घर में उतनी खाई नहीं जाती, तो मैंने मलाई नहीं डाली है। अच्छा, ये हो चुका है, अब मैं इसे प्याले में निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और गर्मा गर्म इसे रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ आप सर्व कीजिए। मैं रोटी के साथ कर रही हूँ, वैसे इनमें से कुछ रेसिपीज के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, बाउल में निकालने के बाद इस तरीके से अंडों के साथ थोड़ा डेकोरेट भी कीजिएगा, बॉयल्ड एग्स के साथ, और थोड़ी सी ऊपर से और भी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल के फिर सर्व कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए, हमारा बन चुका है, और मैं गर्मा गर्म इसे चख के आपको बता देती हूँ कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजेदार। जो ग्रेवी है वो एकदम क्रीमी और स्मूथ और बढ़िया सी टेक्सचर है। आप चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने डायरेक्टली
बिना काटी हुई डाली है, स्लिट करके डाली है। आप चाहें तो बारीक काट कर डालें तो थोड़ा सा और स्पाइस चाहिए होगा तो वो आ जाएगा। तो चलिए मैं तो फटाफट से खा रही हूँ। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे इसके लिंक्स भी फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।